देखो आपका कोड भी आ गया। जय माता दी। चलो दोस्तों, आज मेरा साथ है मेरा बसंती जुपिटर। हाँ जी, मैं आज स्कूटी पे करूँगा राइड। फिलहाल हम हैं लखीमपुर पे, तो यहाँ से निकले हुए हुए देखो भाई साहब, वो लोग बुलेट पे और हम जुपिटर पे। वाह 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 वाह। तो चलो, काफ़ी अच्छी बात है। कितने समय कितने लगते हैं टाइम आपको मैं बताता हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आज और थोड़ा मैं शायद कवर करने वाला हूँ 180 to 200 किलोमीटर डिस्टेंस। देखते हैं ये स्कूटी से कहाँ तक मैं जा पाऊँगा, और मुझे भरोसा ये है कि ये स्कूटी मुझे ज़रूर सहायता करेंगे दोस्तों। एंड ये गाड़ी देखो ना भाई साहब, काफ़ी ओवरटेक करके जा रहे हैं ना। ओ माय गॉड, ये क्या फिर कुत्ता जी, मिस्टर डॉगी हेलो। हाँ जी, हमें कुछ नहीं किया। तो चलो, वीडियो पे बने रहो और आशा करता हूँ कि सही सलामत मैं अपने जगह में अपना डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँ। तो यार मैं आराम से जाऊँगा। जैसे आप सभी को मालूम है मैं ज़्यादा स्पीड चलाता नहीं हूँ, तो देखिए फिलहाल मैं हूँ 60-65 के स्पीड पे। और हाँ जी, अच्छी बात है कि धूप भी थोड़ा दे रही है। थोड़ा पहले क्या था, आपको थोड़ी थोड़ी बारिश दे रही थी ना, तो मैं डर गया था कि चलो भाई साहब बारिश देगा तो मैं रास्ते पे आधे भी भीग जाऊंगा। बट अभी हाँ, अच्छा बात है, तो धूप भी हमारे साथ है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ हो तो टेंशन किस बात की। तो चलो, मिलते रहते हैं हम लोग वीडियो पे। तो काफ़ी जोड़ का भूख लगा हुआ, यहाँ पे रोक देते हैं हम। देखिए वो दबा ये क्या यार, इसे उठाना होगा स्कूटी को। ये नया नया बालू दे के रखा है लोग ने, तो मैं स्कूटी को ठेल के यहाँ तक ले जाऊँगा। अभी सही है नज़ारा, देखो कुछ वाव। ये इस ढाबा, रोड साइड ढाबा के पीछे, बिल्कुल पीछे है, और ये अपना स्कूटी। तो अंदर से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए ये ढाबा से मेरे को डर भी लग रहा है यार, अंदर अंदर तक घुस नहीं जाऊँगा मैं। ये देखिए नज़ारा, वाव। वो तरफ पहाड़, बेर का पेड़, उसके बाद वो बड़ा बड़ा टावर इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे शायद मछली भी मारते हैं ये लोग। अभी यहाँ का ही मछली, जो लोकल मछली से हम लोग खाना खाने वाले हैं, तो बन रही है। कैमरा एक्शन भी आ चुका है, बट हमारा खाना अभी तक नहीं। सीटी, वाह, सीटी की आवाज़ सुन के बहुत मज़ा आया। शायद आप तो जरूर आएंगे, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, आएंगे एक दिन। धीरज रखो, 5 मिनट सिर्फ। घड़िया काटा जैसे कि आपको बोला था मैंने, ऐसे ऐसे होके अभी 20-25 मिनट होने वाला है। हम लोग काफ़ी इंतजार पे हैं। ये हमारा खाना आ चुका है, देखो पापड़। माथा तो दूर है, मतलब गरम भात नहीं रहता। एक बेसी हुआ ना है, बोलूँगा नहीं हाँ, नहीं गरम आसे ना, गरम भात आसे ना, नहीं गरम भात तो हो जाए बर्तमान बर्तमान ना है ना। एक बेलेग पीस दी नार माथा पीस दिशे मैंने ऑर्डर किए हुए मछली और आपका पोर्क स्टिक, यानी कि रोस्टिंग वाला पोर्क है। मैं दिखा दूँ आपको, देखो अपना पोर्क भी आ चुका है।
हाँ जी, तो हमने खाना पीना खा लिया इस ढाबा पे रोड साइड पे। धेमाजी पहुँचने से पहले आपको ये दिखाई देगा, बट जैसे कि आपको बोला, मैंने सोचा कि बहुत बढ़िया होगा खाना, बट जैसे हमने एक्सपेक्ट किए थे वैसा मिला नहीं मुझे। कोई बात नहीं भैया, हेलमेट पहन लो, वीडियो शूट कर रहे हो क्या? इतना स्पीड से, इतना जोर जोर से चला रहे हो। हाँ, तो मैंने खाया फिश करी और पोर रोस्टिंग लिया था पोर्क का। इतना मतलब जैसे लास्ट टाइम मैंने एक होटल पे लखीमपुर पे खाया था वैसा टेस्ट मुझे मिला नहीं, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ये होटल पे बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। तो आप लोगों को भी बोलूँगा, जो जो आते हो लखीमपुर साइड से, जाते हो धेमाजी या आप जनाए, तो इस पे खाना बिल्कुल यो। तो कोई बात नहीं, ऐसा आपको रिव्यूज़ मिलते रहेगा। रिव्यू सिंधा क्या, जो जो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा एक्सपीरियंस करूँगा, ऑब्वियसली आपको शेयर करूँगा, आप लोगों तक शेयर करूँगा। तो चलिए बने रहिए, अभी हम धेमाजी टाउन पहुँचने वाले हैं और हम जा रहे हैं 60-70 के स्पीड पे, वो भी अपने बसंती पे स्कूटी पे, जुपिटर स्कूटी है। और ये स्कूटी चलाने का कुछ मज़ा ही और लगा, जो स्मूथनेस गाड़ी के, भाई साहब लाजवाब, वाह। मुझे लगा था कि मैं ट्रैफिक में फंस जाऊँगा, बट ट्रैफिक से निकल गए हम। और अभी मुझे खाना है पान, क्योंकि खाना खाने के बाद पान खाने का मज़ा कुछ और ही आता है। हाँ, दो तीन दिन से खा रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसलिए अभी खाना तो खा लिया। अभी मैं पान के तलाश पे और पान के खोज पे। भाई साहब धेमाजी में पान दुकान कहाँ में यार, एक दुकान कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। पान दुकान धेमाजी, भाई साहब पान दुकान, अच्छा आगे बस स्टैंड है, वहाँ पर शायद मिल ही जाएगा पान दुकान। अरे ये भैया को तो पहचाना पहचाना लगा, ये जोनाई से है ये भैया, मेरे को मालूम है। खैर कोई बात नहीं, दुनिया में सबको पहचानता हूँ मैं और सब मुझे। वाह 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 वाह, यहाँ है रे पान वाले दुकान। हाँ जी, और एक बात ना, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट के इधर सब एबेक्शन कर रहे हैं रास्ता। देखिए इतना रास्ता छोड़ के ही आपको अपने दुकान, अपने मकान, आपका घर बनाना होगा। 75 फीट ये हाईवे से लेके आपको छोड़ना होगा। ओ, ये भी शायद पान दुकान था, आई डोंट नो। तो अभी हम ये ट्रैफिक पार होके बस स्टैंड के बगल पे हमें पान दुकान मिल जाएगा, तो वहाँ पे हम खाएंगे पान। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे मिलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ज़रूर खाएंगे, बट यहाँ पे कोई पान दुकान है नहीं। वो ये भाई का पान दुकान था एक, ये क्या है भाई, कानपुर सुस्टोल। वाह, कानपुर से आया क्या ये दुकान? हो यहाँ पे पान मुझे मिलेगा, मुझे पक्का मालूम है। यहाँ पे नहीं तो मुझे मिलेगा स्टेशन रोड, ये स्टेशन हो गया आपका धेमाजी स्टेशन। पान इधर भी नहीं है, पान नहीं है, पानवा नहीं है का, पानवा 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 पान 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 पान, देयर इज नो पान आई गेस। यार पानी नहीं मिला मुझे। आज तो इस, ये है आपका ऑफिस ऑफ द सुपरटेंडेंट, ये SP ऑफिस है धेमाजी का। तो चलो हम पान के खोज पे और पान हमसे दूर भागते हुए। अरे भाई साहब, पान वाले भाई साहब कहाँ हो आप? चलो यहाँ पे तो मुझे मिला नहीं। ओ, ये एक पान दुकान, पान 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 नहीं है पान, ये तो शायद आगे मुझे पान मिलेगा। चलो आगे बने रहो आप। धेमाजी टाउन पार हो चुका हूँ मैं फिलहाल। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं कुलाजान। चलो अभी तक पान मिला नहीं, धेमाजी में खाने का प्लानिंग था पान, बट कुलाजान हम आ पहुँचे। ये तरफ आपको डिब्रूगढ़ जाना होगा और सीधा जाएंगे तो आपको सिलापत्थर, जोनाई, पसीघाट। तो चलो हम पान ट्राई करते हैं, वो दुकान तक जाएंगे, अगर मिला तो ले लेंगे, अदरवाइज रहने दो। अगर आप सीधा जाओगे तो डिब्रूगढ़ मिलेगा आपका, बोगीबील ब्रिज पार होके, तो शायद हमें यहाँ पे पान मिल सकता है। लेट्स ट्राई।
पान पान तो नहीं है शायद, नहीं मिलेगा इधर भी पान कंफर्म। यार पान दुकान वाले यार धेवाई से मुझे मिला ही नहीं पान, धेवाजी में था बट कहाँ गली में था मेरे को मालूम नहीं चला, बट इधर आया हूँ कम से कम पान खाऊंगा बोल के इधर भी मिला नहीं मेरे को, पान ही नहीं मिला। यार भाई साहब जब कुछ करने का मन होता है, जब कुछ हासिल करने का मन होता है तभी मिलता नहीं, बट हम हासिल कर लेते हैं, शायद ये पान दुकान है। बट पान ना सुन के पान कथा दीदी ओक धेमाजी से पान 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 का खोज में फाइनली यहाँ पे कोलाजन पे आके मैं पान चबा रहा हूँ। तो चलो पान का आनंद मजा लेके मैं रास्ते पे आपको कुछ बात पान का रिगार्डिंग बताता हूँ। दोस्तों तो मैंने पान भी चबा दिया और देखिए जाना है 73 किलोमीटर, हमें जाना है इस तरफ आपको मिलेगा लखीमपुर। तो टर्निंग लाइट दे देता हूँ, अभी दिल को मिला तसल्ली। धेमाजी से सोचिए आप खुद, धेमाजी से तकरीबन यहाँ तक होता है आपका 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर तक मैंने पान के खोज पे फाइनली जाके मुझे बोगीबिल नदी यानी कि बोगीबिल ये कोलाजन एरिया पे मुझे मिला। तो भाई साहब आपको थैंक यू सो मच हमें पान खिलाने के लिए। तो चलिए बने रहे यहाँ से तकरीबन और मुझे 1.5 घंटा का रास्ता सफर करना राइड करना है, कोई बात नहीं भाई। ओ भाई साहब धीरे 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 हाँ जी आराम से राइड करके स्कूटी पे जाऊंगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ सभी को, यार स्कूटी पे सफ़र करना काफ़ी बढ़िया है, इतना कंफर्ट कि मैं सोचा भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि यार स्कूटी पे जाऊंगा कब पहुंचूंगा घर, बट बढ़िया लगा यार स्कूटी पे ही ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा हूँ मैं इवन बाइक से। तो दोस्तों बट स्कूटी पे इसलिए कंफर्ट लगा क्योंकि यहाँ का रास्ता जो है ना काफ़ी बढ़िया रास्ता है, काफ़ी धांसू है रास्ता। अगर ऑफ रोड होते तो शायद मेरा पसीना छूट जाता। तो चलिए दोस्तों ये साँझ ये इवनिंग का मजा लेते रहो आप। दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक था क्योंकि शाम हो रखी है देखिए। तो हाँ होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद।